नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट स्टडी आगे पर। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके ये चीज़ बताई है कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनकी मैथ तो बहुत अच्छी होती है, यानी कि मैथ के सारे कॉन्सेप्ट उनके क्लियर होते हैं, लेकिन उनके साथ में प्रॉब्लम ये हो रही है कि उनके मैथ में क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड बहुत स्लो है। अगर आपकी भी स्पीड बहुत स्लो है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। और मैंने इस वजह से एक नई सीरीज स्टार्ट की है आज से, जिसका नाम है मैजिकल मैथ सीरीज, यानी कि गणित का जादू। इसमें हम लोग गणित के जितने भी शॉर्टकट ट्रिक्स होते हैं उन चीजों पर फोकस करेंगे। कॉन्सेप्ट बाद में भी कॉन्सेप्ट भी साथ में पढ़ते रहेंगे, लेकिन स्पीड पर ज्यादा फोकस रहेगा, ठीक है। तो जिन लोगों की जिनकी मैथ या गणित में स्पीड नहीं है, उन लोगों को फोकस करके ये वीडियो बनाया गया है। और अगर आपकी मैथ में स्पीड अच्छी है तो आप चाहे तो इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, कि उन लोगों को ज्यादा फोकस है जिनकी स्पीड अच्छी नहीं है। तो ये जो मैंने वीडियो बनाया है, ये एसएससी एमटीएस आईबीपीएस पीओ आरआरबी रेलवे यूपीपीसीएस और खास करके मध्य प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज हम लोग स्पीड मैथ में क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो मैंने स्टार्ट किया है कि 100 से बड़ी संख्या का वर्ग करना, यानी कि आपको नंबर दिए गए हैं 102 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। आपको ये नंबर्स दिए गए हैं और आपको इनका होल स्क्वायर फाइंड करना है, वो भी शॉर्टकट में। तो अगर इसका होल स्क्वायर फाइंड करना है तो ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 102 इंटू 102, उसके बाद में क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरीके से 0 का मल्टीप्लाई, इसी तरीके से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन तीनों को ऐड करके वैल्यू निकालेंगे। तो दोस्तों हम लोगों को ये वाला मेथड बिल्कुल नहीं यूज़ करना है, ठीक है। उसके अलावा कुछ लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि इसको लिख लेंगे 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर और इसमें ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो ये भी इस वाले से थोड़ा सा अच्छा मेथड है, लेकिन ना तो हम ये वाला यूज करेंगे और ना ही हम ये वाला मेथड यूज करेंगे। हम जो मेथड यूज करेंगे उसमें हमें पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ आंखों से सॉल्व कर देंगे, केवल क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर आ जाएगा। जैसे आपसे मैं बोलूं कि ये जो नंबर्स लिखे हैं इनका होल स्क्वायर अगर आपसे कोई पूछे, तो देखिए मैं बिल्कुल आपके सामने ही सॉल्व कर रहा हूं, मुझे पहले से कुछ भी नहीं पता है। आप लोग ये मत सोचिए कि मैं अलग से कोई चीज लेके बैठा हूंगा जिससे मैं लिख दूंगा। देखिए बिना देखे आप भी इसको लिखने लगेंगे, इसका सीधे आंसर हो जाएगा 10404, इसका आंसर हो जाएगा 10609, इसी तरीके इसका हो जाएगा 1110816 110253611 8, इसी तरीके से ही करते जाएंगे। मतलब क्वेश्चन देखा और तुरंत आंसर कर दिया। अभी आप देखेंगे इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरे वीडियो होने तक आप भी बिल्कुल इसी तरीके से आंसर करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल मैंने लिया है कि 104 का स्क्वायर करना है आपको, यानी कि वर्ग करना है। देखिए समझाने के लिए बस ये दो स्टेप लिखने पड़ते हैं, आप ये मत समझिए कि आपको भी लिखकर करना है, एक बार समझ गए तो आप भी आंखों से सॉल्व करेंगे। देखिए 104 का स्क्वायर करना है तो इसको बिल्कुल इसी फॉर्मेट में लिख लीजिए, 104 लिखा, उसके बाद में 100 से जितना ज्यादा होगा उसकी वैल्यू अलग से लिख लीजिए। तो ये 100 से कितना ज्यादा है, 4, तो आपने लिख लिया 4। इसी तरीके से अगर इसका हम लोग वर्ग कर रहे हैं, यानी कि ये चीज फिर से लिख लीजिए, यानी कि 104 लिख लिया और 100 से जितना ज्यादा है उसको यहां पर लिख लिया। अब क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16, और इनका क्रॉस में एडिशन कर दो, ये ऐड कर दिया, तो 104 और 4 कितना हो गया, 108, तो आपका आंसर हो गया 108 16 10816। ये जो हम लोगों ने यहां पर किया है ये किया है मल्टीप्लिकेशन, और ये जो हम लोगों ने किया है ये किया है एडिशन, ठीक। अब आपको देखो यही चीज आप मेंटली कैसे करेंगे, मेंटली ऐसे करेंगे, देखो 104 का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो एक बार हमने मल्टीप्लाई किया है और एक बार ऐड किया है। तो जैसे 104 मैं अगर यहां पर लिखूं तो इसको आपको ऐसे ही आंसर करना हो तो माइंड में सोचिए, तो एक बार मल्टीप्लाई करना एक बार ऐड करना, तो 4 का स्क्वायर किया 16 लिख लिया, और 4 और 4 कितना होता है 8, तो 108 16 आंसर हो गया, ठीक है। इसको करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपसे पूछा जाए 106 का स्क्वायर,
तो जो बेसिक प्रोसेस है उससे तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। देखिए जैसे 106 लिख लिया, 100 से जितना ज़्यादा है उसको फिर से लिख लिया, फिर से दोनों को रिपीट कर दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो आंसर हो गया 36, और इसका इस तरह डायरेक्शन में क्रॉस में ऐड कर दी तो 6 और 6 12, तो आंसर हो गया A11236। और अगर आप इसको मेंटली करना चाहें तो मैंने बताया था 106 का अगर स्क्वायर पूछा है, इसको मेंटली सॉल्व करना है तो एक बार स्क्वायर कर दिया, जो 100 से जितना ज़्यादा है उसका एक बार स्क्वायर, 100 से कितना ज़्यादा है 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, और 6 और 6 12, तो आंसर हो जाएगा 112 36। ठीक है, अब इसमें क्या है कि मेथड तो बड़ा आसान था, आप आराम से सीख गए होंगे, लेकिन दो छोटी सी बातें हैं, केवल दो छोटी सी बातें हैं, उनको और अगर जान लेंगे तो इस टॉपिक पर आपका कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो वो दो छोटी सी बातें और समझ लेते हैं। जैसे आपसे मैं पूछूं कि 102 का स्क्वायर बताओ, तो आप लोग क्या करेंगे, 102 आप यहां लिखेंगे, फिर 100 से जितना ज्यादा है उसको यहां लिख लिया, फिर से 102 लिख लिया, 100 से जितना ज्यादा उसको यहां, इसमें बाद में मल्टीप्लाई करेंगे 4, और इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 104। आपके हिसाब से आंसर हुआ 1044, तो ये गलत है। ये गलत क्यों हो जाएगा, इस वजह से हो जाएगा कि जब हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे जो वैल्यू लिखेंगे, जैसे 2 × 2 = 4, तो यहाँ पे 2-digit वैल्यू लिखेंगे, हमेशा 4 नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे उसको 04, यानी कि इस प्लेस पे जो मल्टीप्लाई होके वैल्यू आती है वो हमेशा 2 यूनिट की होनी चाहिए। ये जो डिजिट है 2-digit, या कह सकते हो 2 यूनिट, ठीक है, बस यही ध्यान रखना है, बस यही छोटी सी ट्रिक थी, बस इतना याद रखना है, बाकी का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। 102 और 104, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 10404, ये चीज बिल्कुल नहीं करेंगे इसमें। अब मान लो आपसे पूछे 103 का स्क्वायर बताओ, तो 103 यहां लिखेंगे, 100 से जितना ज्यादा है उसको इस तरफ लिख लेंगे जैसा कि मैंने बताया, तो आप इसको 3 ना लिख के इसको लिखेंगे 03 और इसको भी 03, तो 3 तिरका होना तो चाहिए 9, लेकिन हम इसको लिखेंगे 09, और इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 106, और इसको आप बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आंख से देखा और सॉल्व हो गया। अब बस आखिरी एक और ट्रिक है जो सीखनी है, बस उसके बाद में ये टॉपिक में आपको ऐसा कुछ भी नहीं रह जाएगा जो ना आता हो। जैसे आपसे अब पूछा जाए 112, तो 112 का स्क्वायर करना है तो पहले लिख लिया 112, 100 से जितना ज़्यादा है यानी कि 100 से कितना ज़्यादा है 12, 12 को यहाँ पर लिख लिया, फिर से ये लिखा 12 × 12 करेंगे 144, और 112 और 12 ऐड करेंगे तो 124, आपके हिसाब से आंसर होना चाहिए ये, लेकिन ये आंसर गलत है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था कि इस जगह पर केवल 2 digit होनी चाहिए, यहाँ पे तो 3 digit आ रही हैं, तो इस वजह से गलत है। तो ये जो एक्स्ट्रा डिजिट आ रही है इसको क्या करना होता है, इस एक्स्ट्रा वाली डिजिट को, इस वाली डिजिट को इस वाले में ऐड कर दिया जाता है, तो ये आंसर जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा 125 44, ठीक, यानी कि जब भी हम लोग स्क्वायर करेंगे और उसमें एक्स्ट्रा एक डिजिट आएगी तो उसको आगे वाले में ऐड कर देंगे, ठीक है। लेकिन आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर पूरा मेथड तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन मान लीजिए इस मेथड को हम लोग कहाँ तक यूज कर सकते हैं, क्या हम लोग 144, 163, 78, 88 ये सारी चीजों के इनके स्क्वायर निकाल सकते हैं? तो देखिए बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन एक चीज सुनिए, 144 लिखा, 141 लिखा, यहाँ पर भी 41, यहाँ 41, यहाँ, अब देखिए इन दोनों का करना पड़ता है हमें स्क्वायर, अब 41 का होल स्क्वायर करना अपने आप में एक क्वेश्चन बन जाएगा, तो ये तो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम लोग इस मेथड को यूज कर रहे थे कि हमारा कम समय में सॉल्व हो, लेकिन 41 का स्क्वायर करेंगे तो और टाइम लग जाएगा। तो आपके लिए ये रिकमेंडेड है कि इसको कहाँ तक यूज करना है, केवल वहां तक यूज करना है जितने का होल स्क्वायर आपको पता हो, केवल वहीं तक। और होल स्क्वायर हमें कहाँ तक का याद होता है, 25 तक का हमें याद होता है, यानी कि 100 से लेके 125 तक की जितनी भी संख्याएं हैं उसको आप इस ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो थी आज की ट्रिक, इसी तरीके से डेली इस तरीके की मैं ट्रिक्स लाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप अपनी मैथ की स्पीड बढ़ा सकते हैं। मैथ आप अपनी पढ़ते रहिए, लेकिन स्पीड जो बढ़ाने का काम है वो इस वीडियो में आपको मैं डेली सिखाऊंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।